तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के प्रमुख स्थल। ठीक है, तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मिर्जापुर से। मिर्जापुर क्षेत्र, लिखुनिया, लिखुनिया वन, लिखुनिया टू, कोहबर, मढ़रिया, भंडारिया, विजयगढ़, वेडम, लोहारी, कोडहवा, रोप, कंडाकोट, सोहरोटा, घोड़मंगर, चुनार, भैसोड़ा, हसनी, हरन आदि। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में नृत्य चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? लिखुनिया वन। वेडम नामक स्थान की खोज किसने की? डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मंढरिया से। घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? भंडारिया से। भूत का रहस्यमय चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ढोकवा महारानी कंडाकोट। मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत किन पहाड़ियों से चित्र प्राप्त हुए हैं? मोहरा पथरिया, बागा पथरिया तथा गैंडे के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? घोड़मंगर से। ये एक गैंडे का आखेट का चित्र है, यानी कि ये आदिवासी लोग हैं जो कि शिकार कर रहे हैं। ये बहुत फेमस चित्र है प्रागैतिहासिक काल का, गैंडे का शिकार, गैंडे का आखेट। ठीक है, मिर्जापुर क्षेत्र में किन पशुओं का उल्लेख हुआ है? गैंडा, सौवर, हिरण, सुअर तथा बारहसिंगा। पहियेदार गाड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? बीड़म से। बारहसिंगे का आखेट कहाँ से प्राप्त हुआ है? लिखुनिया से। शाही के आखेट के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तौर हो घाट से। हाथी का शिकार चित्रित है लिखुनिया से। हरनी हरण गांव कहाँ स्थित है? हरनी हरण गांव कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में विजयगढ़ दुर्गे के समीप गेंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का रोचक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? हरनी हरण से। लिखुनिया किस नदी के किनारे स्थित है? गरी नदी के किनारे। लिखुनिया किस नदी के किनारे स्थित है? गरई नदी के किनारे। सोन नदी घाटी पर स्थित हिमाचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला पर कितनी चित्रित गुफाएं हैं? 100 से अधिक। प्रागैतिहासिक चित्र की रेखाओं का आकार कैसा था? चित्र की सीमा रेखाएं कैसी थी? गतिशील। आदि मानव रंगों की प्याली किस चीज से बनाते थे? पशुओं के पुट्ठे की हड्डी से। प्रागैतिहासिक काल में चित्र कहाँ से चित्रित किए गए हैं? चट्टानों की दीवारों पर, गुफाओं के फर्शों में, भित्तियों तथा छतों पर बनाए गए हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में किन को सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया है? स्वस्तिक, त्रिभुज, वृत्त, आयत तथा का। चित्रकार अपनी तूलिका किससे बनाते थे? रेशेदार लकड़ी, बांस तथा नरकुल से। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। पंचमणी क्षेत्र, सबसे पहला पॉइंट है पंचमणी क्षेत्र। इमली खोहा, जम्बूद्वीप, माड़ादेव, बनिया बेरी, बाजार केप, मोंटोरोजा, बोरी गुफा, महादेव आदि। ठीक है, रायगढ़ क्षेत्र, सिंघानपुर, खैरपुर, कबरा पहाड़, करमागढ़, बोतालदा, बारामगढ़। शिवपुरी क्षेत्र, रीवा, सतना, ग्वालियर, रायसेन, भीमबेटका, जावरा, विदिशा आदि। होशंगाबाद क्षेत्र, जिसमें है आदमगढ़, रहेली, बुदनी आदि। पंचमढ़ी गुफाओं की खोज किसने की? डीएच गार्डन 1936 ईस्वी में की। पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर हंटर ने 1932 ईस्वी में की। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी भोपाल से लगभग 70 मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी गुफा किस पहाड़ पर स्थित है? महादेव पहाड़ी पर।
लगते हास्य काल के सामान्य जनजीवन के क्षेत्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पंचमणि से। विशाल काय बकरी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? बाजार गुफा या बाजार केप से। रहस्यमय शेर और चीते का आखेट कहाँ से प्राप्त हुआ है? माड़ादेव गुफा से। ये चित्र पीले रंग का है। भारत में सबसे ज्यादा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश के पंचमणि क्षेत्र से। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहाँ से प्राप्त है? बनिया बेरी पंचमणि क्षेत्र से। सोवर के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इमली खोए से। महिषासुर सैनिकों के युद्ध का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोरी गुफा पंचमणि क्षेत्र से। शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पंचमणि से। तो ये देखो एक चित्र है जो कि शहद एकत्रित कर रहे हैं, मतलब मधुमक्खी का ये छत्ता है, यहाँ से ये लोग शहद ले रहे हैं, तो ये बहुत फेमस चित्र है पंचमणि का। घरेलू और सामाजिक जीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पंचमणि से। छापा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सौरहो घाट पंचमणि से। सिहनपुर गांव कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की रायगढ़ रियासत में माड़ नदी के किनारे स्थित है। सिहनपुर की खोज किसने की? डब्लू एडसन ने 1910 ईस्वी में की। असंख्य कंगारू कहाँ चित्रित हैं? सिहनपुर में। सिहनपुर गुफा के द्वार की शोभा क्या है? असंख्य कंगारू। घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त है? सिहनपुर से। सूंड उठाए हाथी का चित्र कहाँ से प्राप्त है? सिहनपुर से। जंगली सांड को पकड़ते हुए और बक्षी से छेदते हुए आखेटों का चित्र कहाँ से प्राप्त है? सिहनपुर से। सिहनपुर में कितनी शिलाश्रय और गुफाएं मिली हैं? 50। ठीक है। भीम बेटिका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। भीम बेटिका की खोज किसने की? श्री विष्णुधार सन 1958 ईस्वी में। भीम बेटिका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? लाल रंग के। भीम बेटिका में कुल कितनी गुफाएं हैं? 600। इस समय भीम बेटिका में कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं? 275 गुफाओं में। भीम बेटिका में किन पशुओं का अंकन हुआ है? हिरण, भारासिंगा, सुअर, रीछ, भैंस आदि। भारत में मध्य पाषाण कालीन चित्र सर्वाधिक संख्या में कहाँ प्राप्त हैं? भीम बेटिका से। आखेट कृषक ग्वाले किस गुफा में चित्रित हैं? भीम बेटिका में। विश्व में सबसे बड़े भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? जावरा मध्य प्रदेश से। भैंसे की लंबाई कितनी है? 8 मीटर। होशंगाबाद कहाँ स्थित है? होशंगाबाद पंचमणि से 45 मीटर दूरी पर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। होशंगाबाद की खोज किसने की? श्री मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की। घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? आदमगढ़ होशंगाबाद से। जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? आदमगढ़ होशंगाबाद से। कोई अश्वारोही और 4 धनुद्रोही का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? होशंगाबाद से। एक मोर का विशाल चित्र कहाँ से अंकित है? एक मोर का विशाल चित्र कहाँ अंकित है? आदमगढ़। वन देवी का चित्र कहाँ अंकित है? होशंगाबाद। महिष का अंकन किस प्रागैतिहासिक चित्र में हुआ है? आदमगढ़ में। किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ है? आदमगढ़ में। छलांग लगाते भारासिंगा चित्रित है? आदमगढ़। विशाल विख्यात गर्भवती महिला का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? फिरंगी काटोटिका मध्य प्रदेश से। भोपाल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? धर्मपुरी गुफा मंदिर, शिमला हिल, बरखेड़ा, सांची, सेक्रेटरिएट, उदयगिरी आदि। एक शिलाश्रय में गेरुए रंग से अंकित हिरण के आखेट का रहस्यमय चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? धर्मपुरी भोपाल से। बिहार क्षेत्र के किस गांव से आदिम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं?
चक्रधरपुर नामक गांव से। चौंचदार पुरुष कहाँ से प्राप्त हुए? चौंचदार पुरुष कहाँ चित्रित हैं? सरहाट मानिकपुर बादा जिला से। पहिए रहित गाड़ी और तीन घोड़े का अंकन कहाँ हुआ है? मानिकपुर से में, मानिकपुर में। मध्य प्रदेश के मोरेना जनपद के पहाड़गढ़ सियोरपुर के चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर पीसी द्वारिकेश ने। डॉक्टर के चित्रकला का प्रादुर्भाव किससे हुआ? शिला चित्रों से। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैदिक काल के बारे में। धातु युग के साथ ही किस काल का उदय होता है? वैदिक काल का। दक्षिणी भारत में पाषाण काल के पश्चात किस युग का आरंभ हुआ? लोहा युग का। मध्य प्रदेश के किस गांव में तांबे से बने यंत्र के उदाहरण प्राप्त हुए हैं? गुंजेरिया नामक गांव से। तांबे के बने कितने यंत्र का उदाहरण प्राप्त हैं? 424। लोहा युग के प्रमाण किस वेद में मिलते हैं? अर्धवेद में। मूर्धुच्छेद कष्टबिंधी विधि किसकी तकनीक है? मूर्ति निर्माण की। वैदिक यज्ञ वेदियों की रचना किन आकारों में की जाती है? ज्यामितीय आकारों में। कुंभकर के चक्र का प्रयोग किस युग में आरंभ हुआ? तामाश्रम युग में। वैदिक युग में द्रविणों में किन शक्तियों की पूजा उपासना प्रचलित थी? लिंग पूजा, यक्षों, नागों, प्राकृतिक शक्ति तथा मृत देवियों की। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत किसके थे? द्रविणों के। सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से प्राप्त हुई है? गुंजेरिया मध्य प्रदेश से। ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। ठीक है, सो गाइस हमारा ये यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ यार शेयर कर देना, और यही थी आज की वीडियो। सपोर्ट कर लो यार थोड़ा बहुत, तो ऐसी सपोर्ट बनाए रखो, है ना। तो यही थी आज की वीडियो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, आज सर में दर्द हो रहा है आज मेरे बहुत ज़्यादा। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।